Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मैं अक्सर सोचता हूं, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूं जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से. खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से. मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं. आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक. पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई. राजा रसोई और अंदाज अनोखा. जाओ मुन्नू भाई, शॉपिंग कर ले. काली मिर्च लेंगे थोड़ी. काली मिर्च? हाँ, बाजार जाना पड़ेगा. अरे ये देखिए, ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ जिसके ऊपर ये लगी हुई है, ये हाँ, ये काली मिर्च है. अरे ये तो काली मिर्च है, सूख गई. देखिए, सूख के काली हो जाती है. जब पहले पैदा होती है तो हरी होती है, देखिए. उसके बाद पकने के बाद लाल होती है, फिर सूख के काली हो जाती है. यह कोकम. कोकम है जो सूखा हुआ इस्तेमाल करते हैं ना आप करी के अंदर. हाँ, ये उसका पेड़ है. जरा इसको खींचिए. खींचे है, तोड़ेंगे. वाह, हाँ, स्टार फ्रूट. अरे रुक तो जाइए, गिर जाइएगा. ए बटोरी जरा. हाँ ये रहा. ये तो आंवला टाइप कुछ पेड़ लग रहा है. भैया हम चढ़ रहे हैं, चढ़ के हम तोड़ रहे हैं. एक मिनट, ये पकड़िए पकड़िए पकड़िए. आप पकड़िए ना, क्या कर रहे हैं हम? उतर चढ़ रहे हैं, चढ़ के तोड़ रहे हैं. अरे एक बार तो कभी मतलब हमारी बात. चले. ब्यूटीफुल फार्म इज इट. दिस फार्म इज ओन्ड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन आशीष प्रभु देसाई. और वो हमेशा मेरे को कहते हैं कि रणवीर फार्म में आओ, देखो कितना कुछ उगा रहा हूं मैं. कम इन टू द फार्म. और आज जब मैं फार्म में आया तो है नहीं, लेकिन द प्रोड्यूस इज सो एक्साइटिंग. आई मीन द स्पाइसेस, द स्टार फ्रूट, सब्जियां इतनी एक्साइटिंग है कि बगैर खाना बनाए तो जाऊंगा नहीं. सो आई हैव डिसाइडेड टू टेंट हियर एंड कुक. अरे भैया. मनु भाई क्या लाए? देखिए भैया, लाए हैं नारियल. ऊपर चढ़ गए थे पेड़ पर. तो इतनी ऊपर चढ़े तो एक ही नारियल तोड़ा. फूड बर्बाद करने की क्या जरूरत है? चलिए ठीक, एक काम करिए, फिर केले का पत्ता तोड़ के लाइए और केले के पेड़ पे चढ़िएगा मत. नहीं नहीं, केले के पेड़ में कौन चढ़ता भैया. नाइस. तो ये जो हमने फायर पिट बनाई है ना, ये दो ब्रेड फ्रूट, ब्रेड फ्रूट डाल के भूल जाता हूं. और बाकी कोकोनट हस्क. हाँ जी, ब्रेड फ्रूट इज इन द फायर, बाकी खाना बना लेते हैं. राइट, ओके जी. तो हम क्या बना रहे हैं? हाँ, पंपकिन को पील करके डाइस करना है. और बर्तन चढ़ा देता हूं. पंपकिन या भोपला भी कहते हैं इसको मराठी में. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल्स. मेरे बॉस्टन के रेस्टोरेंट्स में करीड एप्पल एंड पंपकिन सूप है. हर विंटर मेन्यू में जाता है और एवरी अक्टूबर नवंबर पीपल आर आस्किंग फॉर इट. और वैसे हम बचपन में पंपकिन को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन धीरे 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 वन गेट्स टू रियलाइज दैट इट्स एन आउटस्टैंडिंग वेजिटेबल. और ये जो बीज के बीज है ना, ये वाले बीज, तो ये बीज जब हम छोटे होते थे
तो हमारी दादी क्या करती थी कि एक पोटली सी बनाती थी और पोटली में बना के चूल्हे के बिल्कुल किनारे रख देती थी। 6-7 दिन तक बीज वहाँ पड़े रहते थे और एक तो स्मोक हो जाते थे और दूसरा सूख जाते थे। उसके बाद हम उनको चिप करके खाया करते थे। उसके बाद हम गए अमरीका और हमें पता चला कि पम्पकिन सीड तो बहुत बड़ा रेंज है और हम स्मोक्ड पम्पकिन सीड बचपन से खा रहे थे। मोटे मोटे डाइसेस पम्पकिन के। अब सवाल ये उठता है इसका बना क्या रहे हैं? इसका मैं बना रहा हूं पम्पकिन करी। बड़ी इंटरेस्टिंग पम्पकिन करी है जिसमें फ्रेश कोकम, क्लोव लीव्स और क्या लाया था मैं, हाँ ताजा जायफल, फ्रेश नटमेग स्ट्रेट ऑफ द ट्री। पम्पकिन भी एक ऐसी वेजिटेबल है, टेक्निकली तो फ्रूट है लेकिन ऐसी वेजिटेबल है जो मीठे में और नमकीन में दोनों ही उतनी अच्छी जाती है। कद्दू का हलवा हम इतने सालों से बना रहे हैं शकरकंदी के साथ, तिल के साथ। आजकल पम्पकिन लातेज का बड़ा फैशन है, पम्पकिन सीड लातेज या पम्पकिन लातेज। उस लाते में एक्चुअली पम्पकिन की किसी भी माइल्डली स्पाइस डिश में विंटर स्पाइसेस यानी कि दालचीनी, क्लोव, हल्का सा पेपर, ये सारे बड़े अच्छे जाते हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गोना यूज। अनियन को मोटा मोटा डाइस करता हूं। थोड़ा तेल पम्पकिन के साथ ना पीनट ऑयल बहुत अच्छा आइडिया है बिकॉज पीनट ऑयल की जो नटीनेस होती है ना वो पम्पकिन की स्वीटनेस को बराबर से बैलेंस करती है। अ लिटिल बिट ऑफ सेसमी, अ लिटिल बिट ऑफ पीनट, गुड आइडिया। थोड़ा जीरा, अनियन, नाइस, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़े बेसिक मसाले डालने, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया। यहाँ पर स्पाइस ज़्यादा नहीं डाल रहे बिकॉज असली स्पाइसिंग जो है ना इसकी बहुत माइल्ड स्पाइसिंग है और वो सारी फ्रेश स्पाइसेस से होगी। नाइस, ये गया पम्पकिन। थोड़ा पानी, नमक और इसको ढक देता हूं। मुझे बड़ी एक्साइटिंग ये थाई जिंजर मिली, मैंने ये भी तोड़ लिया, इसके पत्ते भी यूज करूंगा। ब्यूटीफुल भाई, वैसे तो नाम गलंगल, थाई जिंजर, ब्लू जिंजर, ये सारे नाम यूज होते हैं लेकिन हमारे लखनऊ में इसे पान की जड़ कहा जाता है और ये कबाबों में इस्तेमाल होती आ रही है बहुत पहले से, मतलब इतना पहले से जब थाईलैंड को थाईलैंड भी नहीं कहते थे शायद। अब इसमें मसाले डालने की बारी। सबसे पहले कोकम। कोकम जो है ना सबसे खूबसूरत चीज होती है इसके अंदर का पार्ट। नाउ वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोस्टीन्स, हम जाते हैं थाईलैंड जाके मैंगोस्टीन्स लेके आते, बट लुक एट दिस, ये बिल्कुल मैंगोस्टीन का सेंटर जैसा पार्ट। इट इज फ्रॉम द मैंगोस्टीन फैमिली और हमें पता नहीं। पहले ये होता था कि कोकम का पेड़ जब बिल्कुल फलों से भर जाता था, कोकम पक जाता तो चिड़िया जो है वो बीज का हिस्सा खा जाती थी और किनारे के छिलके जमीन पे गिर जाते थे और गिर के सूख जाते थे। फिर उन सूखे हुए छिलकों को इनको करी में डालने का रिवाज शुरू हुआ एंड दैट्स वेयर सावरिंग द करी फ्रॉम कोकम स्टार्ट। और आजकल इस छिलके की कीमत बेइंतहा। नाइस, एंड हियर गोज द कोकम, रंग के लिए और खटास के लिए। अब ये मेरा फेवरेट फ्रूट, ये जायफल और जावित्री का प्लांट है। लेट मी टेक इट आउट। ये जो बाहर का हिस्सा है ये मेस है यानी जावित्री और ये अंदर का हिस्सा है ये जायफल है और ये गया फ्रेश नटमेग का फ्लेवर। विंटर स्पाइसेस की बात करें तो क्लोव के बगैर तो कुछ होता नहीं है और क्लोव जो है ना जब हरा होता है तो ऐसा दिखता है। ये गया क्लोव।
क्लोव एक्चुअली फ्लावर बड होता है और फ्लावर होने के बाद फ्रूट बनने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए बहुत ध्यान से क्लोव प्लांटेशंस में लोग हर एक बारीक 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 पत्ती को देखते हैं, क्योंकि अगर हार्वेस्टिंग का टाइम मिस हो गया तो सारा का सारा फ्रूट बन जाएगा और उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा। और यहाँ पर क्लोव लीफ, लौंग का पत्ता और ये फ्रेश काली मिर्च। Nice. All right. अब स्पाइसेस को अपना काम करने देते हैं धीरे धीरे। और दूसरी तरफ मन्नू भाई। हाँ भैया। अरे वो केले के पत्ते तो लाओ। चलिए भैया। सारी आवाज निकालने की प्रैक्टिस आज ही करेंगे आप? अरे भैया कोयल बोलती है कुकू करने से। चलिए ये भी लाया हूँ। ये क्यों लाए? हम सोचे कि एक वैज्ञानिक आदमी जब खाना बना रहा है तो कुछ ले चलो। अच्छा आप बनाइए, हम थोड़ा मुआयना करके आते हैं। आपके दोस्त का बहुत बढ़िया एकदम जबरदस्त है। वैज्ञानिक आदमी, वाह सर कहाँ से सीखते हैं? केले के पत्ते आ गए और केले के पत्ते मैंने इसलिए मंगाए क्योंकि मैं मैकरल को गलंगाल के पत्ते और केले के पत्ते में रोस्ट करूंगा। बड़ी सिंपल सी रेसिपी अगेन, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैकरल फॉर मी वर्क्स ब्यूटीफुली बिकॉज एक तो ये ऑयली फिश है, मतलब अपने आप इसके अंदर इतना तेल होता है कि गलती करनी बहुत मुश्किल है, इसको बुरे बुरे तरीके से पकाना बहुत मुश्किल है। द ऑयल कीप्स इट मॉइस्ट। इन सब पे कट मार देता हूँ। सॉल्ट कहाँ गया? जामुन, लवली, ये लौंग की पत्ती बांगड़ा के पेट में डाल देता हूं जस्ट फॉर दैट फ्लेवर। और क्या है हमारे पास? नारियल, ये गया नारियल। आई थिंक मैकरल गोज ब्यूटिफुली वेल विद स्पाइसी स्टफिंग्स। एक तो ये कि इसकी बेली जो है ना बड़ी होती है, उसके अंदर स्टफिंग अच्छे से हो सकती है। और दूसरा कारण ये कि जब अपना ऑयल छोड़ती है ना तो स्टफिंग के अंदर वो जो फिश ऑयल का फ्लेवर है ऑटोमेटिकली आ जाता है। द बेस्ट फिश टू स्टफ फॉर मी, बांगड़ा। ये आ गया हमारा गलंगल लीफ। बनाना लीफ को नरम कर लेता हूँ आग पे। लवली। और इसके बाद अपनी फिश। एक, दो, तीन। फिश इज डन। मनोहर कहाँ गया? ये रहा। ब्रेड फ्रूट निकाल लेता। नाइस। ये जाली पड़ी हुई है गाड़ी में। परफेक्ट, गलती से परफेक्ट हो गई है। एंड हियर वी गो। मैकरल बिल्कुल धीमी आंच पे पकती रही। Coming back to the pumpkin curry, nice. ये गया नारियल। I like the subtle spicing. Clove leaf अपना flavor दे रही है, fresh clove अपना flavor दे रहा है। और जब spices dry होते हैं ना तो flavor intense हो जाते हैं और intense flavors एक दूसरे के साथ कई बार clash करते हैं। Fresh spices, fresh nutmeg, fresh cloves, fresh peppercorn, I think what it's doing is ek bahut ek subtle harmony bana raha hai. It's more aroma and less pepperiness. Aur ye hamare paas hai raw mango. Mannu bhai ab
पेड़ पे चढ़े हैं तो एफर्ट वेस्ट नहीं करेंगे। ये रॉ मैंगो स्लाइसेस जस्ट टू बैलेंस द स्वीटनेस, परफेक्ट। और लास्ट किक के लिए थोड़ा और कोका। ब्यूटिफुल। थोड़ा सा ना गलंगल भी डाल देता हूं इसके अंदर। हियर वी गो। सैलेड भी बनाना है, उसके लिए बीटरूट रोस्ट कर रहा हूं। नाइस। चलो जी अब करते हैं इंतजार 15 मिनट एंड देन टाइम टू मेक द सैलेड। लीफ के अंदर जो कुकिंग है ना, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल फिनोमिनन। हमारे हिंदुस्तान में इलिश पातूरी बनती है, फिर पात्रा बनता है, फिर आंध्रा में वेपड़ू बनता है, केरला में अड़ा बनता है जिसका परदमन या पायसम बनता है, वियतनाम में देयर इज अ लॉट ऑफ लीफ कुकिंग, जिंजर की लीफ में खाना पकाते हैं लोग, टर्मरिक लीफ के अंदर लपेट के खाना बनाते हैं, लोटस लीव्स के अंदर जो राइस बनता है चाइना में आउटस्टैंडिंग। एंड लाइक आई सेड द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। ये सारी लीफ जो है ना, चाहे केला हो, चाहे टर्मरिक हो, चाहे जिंजर लीफ हो, पांदान लीफ हो, ये सारी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है और इसके अंदर की सारी गुडनेस इमिजिएटली खाने में आ जाती है जैसे ही हीट लीफ को हिट करती। तो एक तो न्यूट्रिशन और दूसरा सारा का सारा फ्लेवर इमिजिएटली खाने में आ जाता है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खाना बनाने वालों के लिए, दैट स्टेज मॉइस्ट लाइक फॉरएवर। ऑलराइट, देखते हैं बीटरूट कहां तक पहुंचा है। नाइस, रोस्टेड एंड रेडी। चाहते तो इसे पील कर सकते थे, बट आई वॉन्ट दी एश ऑन इट। थोड़ी सी एश जो है ना वो आनी चाहिए, बिकॉज एश का अपना एक फ्लेवर होता है एंड दैट्स अ मस्ट। रूट वेजिटेबल्स को रोस्ट करने से उनका फ्लेवर एक्सेंचुएट हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि जितनी रूट वेजिटेबल्स हैं उनमें नेचुरल शुगर्स होती हैं, और वो नेचुरल शुगर्स जब कैरमलाइज होती हैं रोस्टिंग से, दी फ्लेवर इज आउटस्टैंडिंग। और जब स्मोक, कैरमल और नेचुरल शुगर्स मिक्स होते हैं ना, नथिंग कैन बीट दैट कॉम्बिनेशन। दूसरा कैजू एप्पल, अगेन सिग्नेचर फ्रूट ऑफ गोवा। वन वर्ड ऑफ कॉशन, कैजू एप्पल अगर कच्चा होगा ना तो आपके मुंह में बहुत बुरा टेस्ट छोड़ेगा, और कभी भी प्लांटेशन में जाना और कैजू को पेड़ से तोड़ के मत खाना, बिकॉज देयर इज सो मच रेजिन इन दिस विच विल बर्न योर माउथ। 3 दिन तक आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं आएगा, पूरा मुंह जल जाएगा। इसीलिए कैजू नट को निकाल के और पहले रोस्ट करते हैं। रोस्टिंग टेक्स केयर ऑफ ऑल द रेजिन्स, द रेजिन्स गेट बर्नड, और उसके बाद पील करके कैजू निकालते हैं और वो कैजू खाते हैं। डोंट प्लक अ कैजू ऑफ द ट्री एंड ईट इट एवर। Beautiful. Fish is done. ये हमारी मच्छी। Okay, time to make the salad. Roasted beets, cashew apple. इसके साथ कोकम जूस, फ्रेश कोकम जूस। Even I have never done this before. And this is such a privilege. Lovely. मैं अपने favorite fruit को कैसे छोड़ सकता हूँ? Star fruit. A little bit of salt. इसमें नींबू डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि already कोकम मैंने डाल दिया है. That's it. I saw some spinach here. बस इसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट, अ टच ऑफ ऑयल शाइन के लिए।
Here we are. Roasted beets. Star fruit. Cashew apple. Nice. Nothing needed. इसमें मिठास है कैजू एप्पल की स्टार फ्रूट की और बीट रूट की अर्दीनेस है और साथ में खटास है कोकम की. Nothing else is needed. और अब मच्छी की बारी. आहा, the fish juices. ऐसा लग रहा है कि आज कलंगल के पत्ते का भी जन्म सफल हो गया और केले के पत्ते का भी जन्म सफल हो गया. Where's my kokum? आज का स्टार. हालांकि ये बहुत कंटेम्प्रेरी लग रहा है बट जो दोनों चीजें हैं ना इनकी रूट्स बड़ी ट्रेडिशनल है. ये जो लीफ में रोस्ट करी हुई फिश है अरुणाचल में एक डिश बनती है नातो जो वहां की नेटिव लीफ में फिश को रोस्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे स्मोक करने के बाद हल्का सा स्मोकी फ्लेवर जब आ जाता है तब उसको खाते हैं. उसमें थोड़ा लेमन ग्रास पड़ता है. लेमन ग्रास हटा के मैंने डाल दिया गलंगल. और दूसरा एक कैजू एप्पल और कोकम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत इस्तेमाल होता है बट एक ड्रिंक के तौर पे. लोग क्या करते हैं कोकम सिरप और कैजू एप्पल को साथ में क्रश करके एक बढ़िया सा शरबत बनाते हैं. उसको डीकंस्ट्रक्ट कर दिया और वापस से इकट्ठा कर दिया एज अ सैलड. नॉट बैड है लेकिन अभी तो ब्रेड फ्रूट बाकी है मेरे दोस्त. ऑलराइट दिस इज आवर ब्रेड फ्रूट. Nice. और इसको स्कूप कर देता हूं. So, इसका जो टेस्ट है समवेयर बिटवीन रोस्टेड पोटैटो और रोस्टेड रॉ बनाना. जो टेक्सचर है जो फाइबर्स है That reminds you of raw banana. लेकिन क्रीमीनेस रिमाइंड यू ऑफ अ पोटेटो. ये भी सबसे पहले मैंने सेशल्स में देखा था लेकिन बाद में रियलाइज किया कि हिंदुस्तान में बहुत जगह बनता है स्पेशली ऑन द वेस्ट कोस्ट. और ये है हमारी एलिशेरी. ब्यूटिफुल केरला की एलिशेरी यानी कि पम्पकिन करी जिसमें पम्पकिन है कोकोनट है क्यूमिन है और स्पाइसेस हैं उससे इंस्पायर्ड. ये हमारी फार्म इंस्पायर्ड पम्पकिन करी. The only difference is the spices are all fresh. और spices के वो भाग हमने use किए हैं जो शायद हम नहीं करते जैसे clove की leaf use करी है, fresh kokum use किया है और हल्का सा raw mango and fresh pepper. How can you beat that? अरे मन्नू भैया, चलो, बहुत खा लिया अभी. आ रहा है भैया, छोड़ के मत चले जाइएगा. खाने की वजह सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि सब कुछ इंस्टेंट होता है जैसे इमिजिएटली रिजल्ट मिल जाता है. पहले पेपर देने के बाद वेट करना पड़ता है लेकिन हम जब कुछ बनाते हैं ना तो इमिजिएटली कोई खाता है और मुस्कुराता है और इमिजिएटली इंस्टेंट खुशी मिलती है. ये जो मन्नू भाई नहीं आ रहे ना इसका मतलब इंस्टेंट रिजल्ट आ चुका है कि खाना अच्छा. भैया चलो 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 भाई चलिए.